भारतीय हर वर्ष श्रवण मास में कृष्ण पक्ष अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया। प्रभारी ब्रह्म कुमारी सरोज बहन ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बताया कि द्वापर काल में राजाओं के यहाँ भी मुहूर्त के हिसाब से जन्म होता था और कहा वो सतयुगी सृष्टि वो प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण उनके जन्म की तैयारी कैसी होगी, जो संपूर्ण निर्विकारी हैं, संपूर्ण पवित्र हैं, जिनके जीवन में सिर्फ पवित्रता सुख और शांति का माहौल है, जो ऐसे श्रेष्ठ कुलदीप जो आज भी पूजा जाता है, कितना सुंदर उसका पुष्पार्थ किया होगा जिसको सारी दुनिया आज भी नतमस्तक होकर शिरोधार्य करती है, मंदिरों में जाकर भी उनको देखते रह जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हम जिस जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं ये जन्म दिवस कृष्ण का है, वो जन्म दिवस हमारे जन्म की एक झांकी है कि अगर मुझे सच में श्री कृष्ण के जैसे कुल में जन्म लेना है तो वैसा आकर्षण वाला बनना है, जीवन में सबको प्रेरणा देने वाला बनना है तो मुझे भी अपने एक एक पल को सेवा में गुजारना होगा। दुनिया में तो लोग ऐसे कहते हैं कि जिसका इस घर में जन्म है उसने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, सिर्फ जन्म ही नहीं उनकी काया कंचन काया स्वस्थ शरीर सतयुग में ही होता है, क्योंकि इसे हम वैज्ञानिक तरीके से भी ले तो कहा जाता है कि जो कर्म हमने किए हैं उनके सारे कर्मों का लेखा जोखा रिकॉर्ड होता है और वो कर्मों के हिसाब से हमारे जन्म को वैसा बनाते हैं। तो ये जन्माष्टमी है, यहाँ हमारे लिए एक उपदेश है, श्री कृष्ण का जन्म तो सतयुग में ही होता है उनमें कोई शंका नहीं, लेकिन उस कुल में आने के लिए हम सबको कैसा होना चाहिए या कैसा होना होगा ये सोचने का विषय है, या सिर्फ कृष्ण को देखकर खुश हो जाना, थोड़ा सा उनके लिए गा लेना, ये तो सभी कर रहे हैं। बहन जी ने बताया कि आज सबको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ऐसी सतयुग सृष्टि के निर्माता बहुत सारे ब्रह्म कुमारी ब्रह्म कुमारियों ने श्री कृष्ण के खानदान जाने के लिए श्रेष्ठ के साथ जीवन जीने के लिए पुष्पार्थ में लगे हुए हैं कि हम भी उस राज्य में आएंगे, इसलिए श्री कृष्ण की झांकी लगाई जाती है ताकि हम अपने मन में झांक कर श्री कृष्ण के अंदर जो गुण और विशेषताएं हैं उनकी तुलना करके अपने आप को देख सके।